प्रतिभा, लगन और एकाग्रता के मिश्रण का नाम है शिफा फातिमा, जिसने जूजित्सु राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में एक बार फिर अपनी गजब की प्रतिभा का परिचय देते हुए तमाम राज्यों की प्रतियोगियों को पछाड़कर स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित चौक स्टेडियम में खेली गई 5 दिवसीय जूजित्सु राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में प्रयागराज की शिफा फातिमा ने इस बार राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले और प्रदेश का मान बढ़ाया है। जनजात प्रतिभा के बारे में कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत शिफा पर 100% लागू होती है। हालांकि उन्होंने अभी उम्र के 9 बसंत ही देखे हैं, जिसके चलते वो जूनियर स्तर पर ही अपना कौशल दिखा रही हैं। लेकिन वो जब भी कोर्ट पर उतरती हैं, एक अलग अंदाज में दिखती हैं। फुर्ती और रियल टाइम रिएक्शन से वो सामने वाले खिलाड़ी पर तुरंत हावी हो जाती हैं। उनकी अब तक की सफलता के आंकड़े बताते हैं कि वो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम जरूर लहराएंगी। शिफा फातिमा ने अब तक कराटे प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीता है। ये पदक मेजर ध्यानचंद्र खेल प्रतियोगिता जिला स्तरीय, प्रयागराज स्वर्ण एवं जूजित्सु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रायबरेली में स्वर्ण, राष्ट्रीय स्तरीय जूजित्सु राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता लखनऊ स्वर्ण पदक एवं यूनाइटेड शोटोकोन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता मसूरी में भी भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता था। इतनी छोटी सी आयु में शिफा फातिमा ने खेल जगत में एक क्रांति लाने का काम किया है। देश की तमाम बालिकाओं के लिए ये एक मार्गदर्शक है। इनसे प्रेरणा लेकर तमाम बालिकाएं खेल जगत में, देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का काम करेंगी। प्रयागराज में जित्सु के लिए बहुत अधिक सुविधाएं नहीं है, फिर भी शिफा फातिमा अपने खेल को लेकर सदैव संजीदा रहती है। शिफा फातिमा ने कहा कि हमारी ये उपलब्धि हमारे गुरु की कड़ी मेहनत एवं माता पिता का सहयोग एवं समस्त प्रयागराज वासियों के आशीर्वाद का नतीजा है।